नमस्कार दोस्तों। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भाई मास्लो की जो थ्योरी है, वैसे तो सारे लोग पढ़ाते हैं और सारे लोग पढ़ते रहते हैं, पर चक्कर क्या है कि लास्ट एग्जाम जो हुआ था, आप देखोगे केवीएस का, तो उसमें उन्होंने ना 1970 का जो रिवाइज्ड एडिशन है अब्राहम मास्लो की थ्योरी का, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद सोपान आधारित सिद्धांत कहते हैं, या आवश्यकताओं का पद सोपान सिद्धांत कहते हैं, उच्च नीच क्रम सिद्धांत कहते हैं, उसके ऊपर जो सवाल आए थे दरअसल, वो 1954 में जो उन्होंने बेसिक मॉडल दिया था अपना अपनी बुक में, जिसका नाम था पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, जो 1954 में आई थी, उस पे सवाल तो बनते ही बनते हैं। इस बार उन्होंने क्या किया कि जो उसका रिवाइज्ड मॉडल है, जो कि 1970 में रिवाइज हुआ था मास्लो के द्वारा, उस पर सवाल बना दिए। तो अब वो चीज़ हो गई बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि बहुत डीप में भी बुक्स में भी इसमें भी नहीं दिया हुआ है। बुक्स में भी वही 1954 का जो उनका पांच आवश्यकताओं का क्रम है, उसी के बारे में बात होती है। अब इस बार उन्होंने जो पूछ दिया सवाल, वो ये जो आठ आवश्यकताओं का आप देख रहे हो, यहाँ पे पिरामिड बना हुआ, एक हायरार्की बना हुआ, उस पर बेस्ड सवाल आ गए। तो ये वीडियो उसी के संबंध में है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ये कह सकते हो आप कि आपकी अच्छी समझ बन जाएगी मोटिवेशन की, कौन सी थ्योरी पे, मास्लो की थ्योरी पे, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आवश्यकताओं का पद सोपानिक सिद्धांत। आइए बात शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडल, ये है बेसिकली अब्राहम मास्लो का मॉडल। अब्राहम मास्लो जिनको ने थ्योरी क्या दी, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं आवश्यकताओं का पद सोपान सिद्धांत। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, दे कैन नोट इट आउट दैट आवश्यकताओं का पद सोपान सिद्धांत। पद सोपान का मतलब होता है बच्चों, कोई भी चीज जो कि एक तरीके से नीचे से ऊपर के क्रम में या ऊपर से नीचे के क्रम में सेट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्डर हो, जिस चीज का क्रम बना हो ऊपर से नीचे के क्रम में, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप में, उसको हम लोग हायरार्की कहते हैं या पद सोपान हिंदी में कह देते हैं। क्लियर हुआ? तो आवश्यकताओं को आधार बनाकर उन्होंने व्यक्ति के, बंदों के मोटिवेशन की बात की, इंडिविजुअल के मोटिवेशन की बात की, और उसमें एक क्रम उन्होंने आवश्यकताओं का बताया। तो सबसे पहले देखिए जो विचार मास्लो ने दिया अपना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अब्राहम मास्लो जो है उनके साथ एक और थिंकर का नाम आता है, कार्ल रोजर्स का। आपने सुना होगा कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो, ये दोनों का जो मनोविज्ञान है, या इन दोनों की तरह जो विचार रखे गए मनोविज्ञान में, उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं ह्यूमन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि मानवतावादी मनोविज्ञान इनकी विचारधारा को माना जाता है। इसको हम अगर कहें, हम क्या कहेंगे, मानवतावादी मनोविज्ञान। और इसका महत्व इस बात से आप लगा सकते हैं इनके विचारों का कि साइकोलॉजी के अंदर कई सारे थॉट्स हैं, आप जानते हैं कई सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, थिंकर्स हैं, लेकिन उसमें से तीन ऐसे थॉट्स हैं, जैसे कि पहला जो थॉट है देखो साइको एनालिटिकल थिंकिंग है, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, जो सिगमंड फ्रायड से, एना फ्रायड से जुड़ा हुआ है, उसको फर्स्ट फोर्स इन साइकोलॉजी माना जाता है। मतलब माना जाता है कि मनोविज्ञान में वो प्रथम बल के रूप में काम करता है, मनोविज्ञान की परिभाषा को, इसके दायरे को एकदम से चेंज करने वाला, एक रीइनफोर्सर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। सेकेंड जो थॉट है बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान है, जो जेबी वॉटसन, आप जानते हो, आपने स्कीनर का नाम पढ़ा होगा, आपने पावलाव का नाम पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं उसके अंदर आप देखोगे कि भी ईएल थॉर्नडाइक का नाम पढ़ते हो, गथरी का नाम पढ़ते हो, ये जो थिंकर्स हैं, या जैसे हम बात करेंगे वॉटसन वगैरह, रेनर वगैरह का, ये लोग जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, और इसको हम लोग सेकेंड साइकोलॉजी, सेकेंड फोर्स इन साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि मनोविज्ञान का दूसरा बल कहते हैं। और तीसरा बल किसको माना जाता है मनोविज्ञान में, तो आप देख सकते हो थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी कहा जाता है किसको, मानवतावादी मनोविज्ञान को, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को, जिसके अंदर मुख्य रूप से कौन आते हैं, तो एक तो मास्लो आते हैं, जिसको आप यहां पे पढ़ रहे हो आज उनकी थ्योरी को मोटिवेशन की, और इसके साथ साथ कौन आते हैं, कार्ल रोजर्स का नाम आता है इसके अंदर दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, ये हो गई। अब देखिए 1954 में मास्लो ने क्या किया, अपनी एक पुस्तक निकाली इन्होंने, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे किताब थी, मैनेजरियल बिहेवियर पे किताब थी, जिसमें इन्होंने थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी, बुक का नाम क्या था, तो पहली बुक का नाम था इनका पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, यानी कि व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा। अब उसके अंदर इन्होंने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी मोटिवेशन की, जिसमें इन्होंने बताया, देखिए पांच कुल आवश्यकताएं इन्होंने मनुष्य की आइडेंटिफाई की दोस्तों, और उन पांच आवश्यकताओं के आधार पर इन्होंने व्यक्ति के अभिप्रेरणा के स्तर को बढ़ाने की बात की, कि अगर आप किसी व्यक्ति से एक अपेक्षित व्यवहार पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक आप जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करे, तो आप उनकी आवश्यकताओं को आधार बनाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड व्यवहार करने के लिए, एक निश्चित दिशा में उनके व्यवहार को प्रेरित किया जा सकता है। कब, जबकि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का हम उसमें उद्देश्य शामिल करें। तो देखिए सबसे पहली आवश्यकता उन्होंने जो बताई, वो बताई फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में, यानी कि जो शारीरिक क्रम की आवश्यकताएं होती है ना व्यक्ति की, उनको इन्होंने सबसे नीचे रखा। सबसे नीचे का मतलब
अपनी एक तरीके से क्वालिटी में वो नीचे हैं, लेकिन अपनी इंटेंसिटी में सबसे ऊपर है। मतलब कि व्यक्ति सबसे जल्दी प्रेरित होता है अपनी इनेट नीड्स की वजह से, अपनी बायोलॉजिकल या जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसकी वजह से। तो इनको देखो हम बायोलॉजिकल नीड्स भी कह सकते हैं, जैविक आवश्यकताएं हैं, इनको हम इनेट नीड भी कह सकते हैं। इनेट का मतलब हो गया बच्चों क्या, जन्मजात आवश्यकताएं। ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि हमारे शरीर की एक तरीके से जरूरतों से संबंधित हैं। जैसे कि हम कहें भूख प्यास, यानी कि भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो हमको कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, है ना। थकान होगी तो आराम चाहिए होगा, नींद चाहिए होगी। तो इन आवश्यकताओं को हम क्या कहेंगे, शारीरिक क्रम की आवश्यकताएं। अगर कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा होगा तो वो तनाव में होगा, वो डेफिशिएंसी में होगा, दुख में होगा। और जैसे ही आप कहते हो कि भाई चलो तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हारी इस चीज की जिम्मेदारी ले लेता हूं, मैं तुमको भोजन उपलब्ध करा दूंगा, तुमको आराम दिला दूंगा, तुमको रहने के लिए घर दे दूंगा, पहनने के लिए कपड़े दे दूंगा, तो व्यक्ति जल्दी मोटिवेट होगा और आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है। ठीक, यही चीज आप एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। छोटे बच्चों को जब मोटिवेट किया जाता है तो उनको चॉकलेट देकर, खाने पीने की चीजें देकर, कुछ ना कुछ उपहार, पुरस्कार, खिलौने आदि देकर मोटिवेट किया जाता है। दूसरी आवश्यकता ये बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की, मान लीजिए, एक क्रम की आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर वो उसको उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करती। यानी कि एक भूखे व्यक्ति को भोजन मोटिवेट करेगा, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ होगा दोस्तों, जिसकी प्यास बुझी होगी, उसको पानी या भोजन मोटिवेट नहीं करेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर के लेवल की जो आवश्यकताएं हैं, जो उससे हायर लेवल की नीड्स हैं, हमें उसको आधार बनाकर उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करना पड़ेगा। तो दूसरे स्तर की जो आवश्यकता ये बताते हैं वो कौन सी बताते हैं, देखिएगा, सुरक्षा संबंधी, यानी कि सेफ्टी नीड्स। अब व्यक्ति ये चाहता है कि भाई आज की आवश्यकता तो चलो हमारी पूरी होगी जो बेसिक वाली है, अब वो चाहता है कि वो भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे, कुछ ना कुछ उसके पास बैंक बैलेंस हो, कुछ ना कुछ उसके पास स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक स्थितियों के लिए पैसा हो, कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सके। यानी कि वो पहले सड़कों के किनारे ऐसे ही झोपड़ी में रह रहा, अब वो चाहेगा कि भाई बंद घरों में, बंद कमरों में वो रह सके, जहां पे कि उसको नुकसान का डर ना हो जानवरों से और बाकी चीजों से। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को अपने आधार बनाता है। उसमें दोनों तरह की सिक्योरिटी शामिल है, एक तो जो फिजिकल सिक्योरिटी है, शारीरिक सुरक्षा है, और एक जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, भविष्य की सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती जाएंगी। तो उसको पूरा करने के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार होगा। अगर हम उसको आधार बनाते हैं तो हम उसको ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरी आवश्यकता आपको दिख रही है यहाँ पे, सोशल नीड्स या सोशल रिलेटेडनेस बोलते हैं इसको, सामाजिक संबंधन की आवश्यकता, है ना। सोशल रिलेटेडनेस नीड्स कहते हैं, समाज के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता या सामाजिक क्रम की आवश्यकता। देखिए, अब व्यक्ति क्या करता है कि भाई सुरक्षा भी उसको हो गई सुनिश्चित अपनी, अब वो चाहता है कि समाज में उसका लोगों के साथ जुड़ाव बढ़े, यानी कि उसके दोस्त हों, उसके मित्र हों, उसका पीयर ग्रुप हो। छोटे बच्चे पे अप्लाई करो तो छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, अब वो क्या चाहेगा कि उसके दोस्त बने, दल बने, समूह बने, पीयर ग्रुप बने, उसका सहपाठी हो जिससे वो बातचीत करे। ऐसे ही बड़ा व्यक्ति भी क्या चाहेगा कि समाज में उसकी रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, उसको लोग समझें, दोस्त मित्र हों, उसके अपने कोई प्रिय संबंधी हों। तो वो समाज के साथ जुड़ने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा प्रयास, एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोशिश करता है, अधिक मेहनत करने की कोशिश करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, रुचि लेता है, और उसके लिए वो तैयार रहता है, तत्पर रहता है। चौथे क्रम की आवश्यकता देखिए क्या है, इस्टीम नीड्स। इस्टीम का मतलब होता है दोस्तों सम्मान की आवश्यकता, सम्मान या आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, इसको सेल्फ इस्टीम भी कहा जाता है। यानी कि अब व्यक्ति क्या चाहता है कि सामाजिक रूप से वो स्वीकार्य हो गया, संबंध उसके अच्छे हो गए लोगों के साथ, अब वो चाहता है कि समाज में उसका रुतबा बढ़े, उसकी इज्जत बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, उसकी प्रतिष्ठा हो, लोग उसको तारीफ करें। तो अब ऐसे में क्या होगा कि उसको कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, सोशल हित के, सामाजिक हितों के काम में वो अपना रुचि लेगा, सामाजिक कार्य करने लग जाएगा, सोशल वर्कर बन जाएगा, कहीं ना कहीं चैरिटी करेगा, लोगों को दान दक्षिणा देगा, लोगों की कार्यों में मदद करेगा, ठीक है, इस तरीके के काम करने के लिए वो प्रेरित हो सकता है। और लास्ट में इन्होंने बताया था 1954 में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हाईएस्ट नीड्स इन्होंने बताई, सबसे ऊपर की आवश्यकता बताया इन्होंने व्यक्ति के जीवन की। ये क्या होती है, इसमें हम अपना जो पोटेंशियल है, यानी कि अपना जो मैक्सिमम आउटपुट है, उसको रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको वास्तविक अर्थों में अपने निष्पादन में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक व्यक्ति अपने जीवन में मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, उस मैक्सिमम परफॉर्मेंस की तरफ वो बढ़ना चाहता है। बहुत सारे लोग आप देखोगे कि सब कुछ पा चुके हैं, स्टिल दे आर वर्किंग, तो दे आर वर्किंग नॉट फॉर मनी, दे आर नॉट वर्किंग फॉर हैविंग द प्रॉपर फूड और कैन से शेल्टर, बट दे आर वर्किंग टू एक्चुअलाइज देयर अल्टीमेट पोटेंशियल। वो अपनी अल्टीमेट पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए, उसको एक तरीके से प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने आवश्यकताओं को बताया दोस्तों। अब देखिए, जो नीचे की तीन आवश्यकताएं हैं इनको इन्होंने क्या कहा, निम्न क्रम की आवश्यकताएं कहा, यानी कि लो लेवल नीड्स कहा, और जो ऊपर की दो आवश्यकताएं हैं, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको इन्होंने क्या कहा, उच्च स्तर की आवश्यकता या हाई लेवल नीड्स कहा। इस पे एक सवाल और क्या बनता है, देखिए ये डी नीड्स लिखा हुआ है, डी का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, डेफिशिएंसी,
थोड़ा मैं स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि छोटे वीडियो में आपको चीजें मिल जाए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, इसलिए बाकी आपको कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, आपके एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करूंगा मैं, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाता है तो निश्चिंत होकर आप सवाल का सवाल पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, कोई घबराने वाली बात नहीं, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक। तो देखिए डेफिशियंसी, डी का मतलब क्या हो गया, डेफिशियंसी नीड, यानी कि कमी वाली आवश्यकताएं। इन्होंने कहा कि भाई ये जो चार नीड्स आप देख रहे हो ना स्टीम तक, यानी कहां से कहां तक, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल और स्टीम, यानी कि शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक और सम्मान, इसको इन्होंने कहा कि ये हमारी कमी वाली आवश्यकताएं हैं, यानी अगर ये पूरी नहीं होंगी तो इससे क्या होगा, तनाव होगा व्यक्ति को, वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो प्रेशर में रहेगा, तो ये हमारे अंदर कोई ग्रोथ नहीं कराती लेकिन हमें ये कमी का एहसास जरूर कराती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए डी नीड्स या डेफिशियंसी नीड्स कहेंगे। और जो पांचवी आवश्यकता थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, इसको इन्होंने क्या कहा, देखिए बी नीड्स, बी नीड्स का मतलब होता है दोस्तों बीइंग नीड्स, इसी पर आधारित सवाल पूछा हुआ था केवीएस में लेकिन वो पूछा था इनकी रिवाइज्ड एडिशन पे। तो देखिए बी नीड्स का मतलब हो गया बीइंग नीड्स, जो हमारे अस्तित्व संबंधी आवश्यकताएं हैं जिनसे कि कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व की पहचान को बढ़ा सकते हैं, अपना एग्जिस्टेंस को अपने जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये ग्रोथ नीड्स हैं, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, सुधार होता है, इसलिए इसको बी नीड्स कहा गया पांचवी को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। तो फिर से देखिएगा नीचे की तीन आवश्यकताओं को लो लेवल नीड्स कहते हैं, ऊपर की दो आवश्यकताएं जो है स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हाई लेवल नीड्स कहते हैं, उच्च स्तर की आवश्यकता कहते हैं। क्रम इनका नीचे से ऊपर यही रहेगा, मतलब कि बेसिक से लेके हायर लेवल तक ये रहेगा, नीचे से ऊपर के क्रम में जाएंगी ये, एक दो तीन चार पांच। अब एक और आधार क्या हो गया कि भाई जो नीचे की चार आवश्यकताएं हैं यानी कि फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल और स्टीम, इसको इन्होंने क्या कहा, डी नीड्स कहा, यानी डेफिशिएंसी नीड्स कहा, और ऊपर की एक आवश्यकता को इन्होंने क्या कहा, बी नीड्स कहा। ये तो हो गई दोस्तों बात इनकी पहली जो थ्योरी थी 1954 में आई थी उसके बारे में। अब इसी का इन्होंने देखो एक रिवाइज्ड एडिशन दिया आपके सामने, और वो रिवाइज्ड एडिशन क्या था, ये आया 1970 में जिसपे सवाल आया था, तो ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है मोस्टली, ये किताबों में भी आपको नहीं मिलता है, छोड़ दिया जाता है रिवाइज्ड एडिशन को क्योंकि बेसिक सवाल उसी पे बनते हैं। लेकिन फिर भी अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई पहली जो आवश्यकता थी वो वही है फिजियोलॉजिकल, दूसरी सेफ्टी है, तीसरी सोशल, चौथी स्टीम, यहां तक कोई चेंज नहीं है। पांचवें पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था वो चला गया सातवें नंबर पे, और इसीलिए पांचवें नंबर पे कॉग्निटिव, छठे पे एस्थेटिक, और सातवें पे आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आठवें पे क्या आ गया दोस्तों, सेल्फ ट्रांसेंडेंस आ गया। तो आपको समझना खाली इतना है, यहां तक तो आपने समझ ही लिया, और ये चारों को ही हम यहां पे भी क्या कहेंगे, इन चारों को हम यहां पे भी वही कहेंगे डी नीड्स, यानी कि कमी वाली आवश्यकताएं हैं जो कि हमें परेशान कर सकती हैं अगर पूरी नहीं होंगी तो, डेफिशिएंसी नीड्स कहेंगे। और ऊपर की जो हो गई ये चार आवश्यकताएं कौन कौन सी, देखिए जो ब्लैक में मैं यहाँ पे मार्कर से लिख रहा हूँ, यानी कि कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक आवश्यकताएं, मस्तिष्क की क्षमताओं में वृद्धि करना, निर्णय की क्षमता बढ़ाना, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन की क्षमता को बढ़ाना, दिमाग की जो हमारी क्षमताएं हैं उनका हम तरीके से वृद्धि करना चाहते हैं। एस्थेटिक का मतलब हो जाता है दोस्तों सौंदर्यपरक जो आवश्यकताएं होती हैं हमारी, सौंदर्यपरकता संबंधी आवश्यकताएं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर बनना चाहता है, कोई अच्छा राइटर बनना चाहता है, कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग करके नए शेर लिखना चाहता है, तो कहने का मतलब पेंटिंग करना चाहता है, तो जो भी हमारी सौंदर्यपरकता वाली आवश्यकताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनमें वृद्धि करना आ जाएगा एस्थेटिक नीड्स में, चाहे इसमें कोई भी टैलेंट हो सकता है, किसी भी एरिया का टैलेंट हो सकता है, किसी भी काम को कलात्मक तरीके से करना, आर्टिस्टिक वे में करना, इसकी पहचान हो जाएगी। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो यहाँ पे आपने पढ़ा कि व्यक्ति अपना मैक्सिमम आउटपुट रियलाइज करना चाहता है, जैसे मैं हूं तो मेरी अधिकतम क्षमता क्या हो सकती है काम करने की, पढ़ाने की, मैं उसको रियलाइज करना चाहूं तो वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, वहां पे हो सकता है कि हमारी सारी बेसिक नीड पूरी हो चुकी है फिर भी हम वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं अंदर से, इंट्रेंसिक मोटिवेशन है ये। ठीक, और लास्ट इन्होंने जोड़ दिया दोस्तों क्या, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, जो कहीं ना कहीं हमारी जो आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं एक तरीके से उससे रिलेट करता है, जिसमें कि हम सेल्फ अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करते हैं, आत्म साक्षात्कार वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको मिलता गया, अगर उसको वातावरण बढ़िया मिलता गया, फेवरेबल मिलता गया, तो एक व्यक्ति अपने जीवन में ये सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए आता है मोस्ट कैपेबल पर्सन का, यानी कि सबसे अधिक सक्षम व्यक्ति का। तो सबसे अधिक सक्षम व्यक्ति कौन होता है दोस्तों, जो कि अपनी बेसिक जो नीड्स हैं यानी कि जो डेफिशिएंसी वाली नीड्स हैं, कमी वाली आवश्यकताएं हैं, इनको भी पूरा कर सके, और जो अपने हाईएस्ट लेवल की नीड्स होती हैं, जो कि हम यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी ऊपर देख रहे हैं रिवाइज्ड एडिशन में, वहां पे हम सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही देखते थे 54 वाले में, 70 वाले में हम देख रहे हैं क्या आ गया इनका विचार कि भाई सातवें पे इसको रख दिया और आठवें पे इन्होंने सेल्फ ट्रांसेंडेंस को रखा, यानी कि व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं, आध्यात्म संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी प्राप्त कर सकता है
है जो कर सकता है उसको क्या कहते हैं, मोस्ट कैपेबल पर्सन, और ये हर व्यक्ति हो सकता है। ये मानते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव दिस पोटेंशियल, हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है, डिपेंड करता है कि वो कितना प्रयास कर रहा है और उसके आसपास का वातावरण उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है या उसको हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके, देखो बी नीड्स, सवाल यही था कि इनमें से बी नीड्स कौन सी हैं, और दो दे दिया था ऑप्शन उन्होंने, एक कॉग्निटिव और एक एस्थेटिक, और दो ऑप्शन यहां से दे दिया था आपको, स्टीम और सोशल मान लीजिए। तो स्टीम और सोशल तो होंगी नहीं, क्या होंगी? स्टीम, सोशल, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल क्या हो जाएंगी? डेफिशिएंसी वाली नीड्स, कमी वाली आवश्यकताएं। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, एस्थेटिक यानी सौंदर्यपरक यानी कलात्मकता वाली आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन या संपूर्ण प्रदर्शन करना, और ये अध्यात्म की संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। इन चारों को, 5, 6, 7, 8 को उन्होंने किसमें रखा? ग्रोथ नीड्स के बारे में इनको रखा, वृद्धि की आवश्यकताएं माना, या फिर बी यानी बीइंग नीड्स यानी अस्तित्व संबंधी, होने का जो एहसास कराएं, हमारे होने का जो सही उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करें, उन आवश्यकताओं के रूप में डिफाइन किया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका क्रम भी 1 से लेकर 8 तक है, यानी नीचे से ऊपर के क्रम में है। तो ये हो गई आपकी नीचे की आवश्यकताएं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे आप उच्च स्तर की आवश्यकताओं की तरफ बढ़ोगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे हमारी जो मोटिवेशन होगी दोस्तों वो एक्सट्रिंसिक होगी। आप देख पा रहे होंगे कि हम बाहर की चीजों से प्रेरित हो रहे हैं, यानी कि बाह्य प्रेरणा होगा ये, इसको हम बाह्य प्रेरणा कहेंगे, जिसमें कि निचले स्तर पर फिजियोलॉजिकल है। तो भाई भोजन हमें मिल रहा है, तो भोजन क्या है? बाहरी पुरस्कार है, एक तरीके से बाहरी रीइन्फोर्समेंट है ना, जैसे पानी है, भोजन है, मकान है, नींद है, ये सब क्या है? ये सब बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे सेल्फ ट्रांसेंडेंस अध्यात्म हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ये सब क्या होता जा रहा है, या जैसे एस्थेटिक हो गया, ये इंटरनल होता जाएगा। यानी कि हम देखेंगे कि हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से किस तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम बाह्य प्रेरणा से आंतरिक प्रेरणा की ओर धीरे धीरे 1/1 जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम ये 8 चरण देखें, आवश्यकताओं का क्रम देखें, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम बाहरी अभिप्रेरणा से आंतरिक अभिप्रेरणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सट्रिंसिक से, ये कह सकते हैं। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों कि हम एक तरीके से सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनियमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि क्वालिटेटिव होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिंपल लेवल हो गया मोटिवेशन का, और ये क्या होता जाएगा? कॉम्प्लेक्स लेवल होता जाएगा। हर व्यक्ति के लिए यहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि वो अपने माया जाल में ही फंसा रह जाता है, तो हर व्यक्ति अध्यात्म को नहीं पहचान पाता, हर व्यक्ति अपने अंदर आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता। लेकिन करने की क्षमता हर किसी में है, अगर वो प्रयास करे प्रॉपर तरीके से, सही गाइडेंस में, और सही एनवायरनमेंट उसको मिले, फेवरेबल, अच्छा नर्चर उसको मिले, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि वो मोस्ट कैपेबल पर्सन बन सकता है, एक तरीके से सबसे अधिक सक्षम व्यक्ति बन सकता है। तो ये रही मास्लो की 1954 की आवश्यकताओं का पदक्रम या पद सोपान, ये रहा 1970 में जो रिवाइज्ड आया, संशोधित उनका मॉडल रहा अब्राहम मास्लो का। अब्राहम मास्लो के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके विचार जो होते हैं वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में गिने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, मानवतावादी मनोविज्ञान में। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी मानते हैं, मनोविज्ञान का तीसरा प्रमुख बल या तीसरा प्रमुख विचार मानते हैं। और ये अभिप्रेरणा के ऊपर एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है, जिसके ऊपर बहुत सारे दूसरे थिंकर्स ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो मैग्रेगर हो, चाहे हर्जबर्ग हो, चाहे हम बात करें उसके बाद मैक्लेलन की थ्योरी है, चाहे हम बात करें उसके बाद एक तरीके से आप देखोगे क्लेटन एल्डरफर की थ्योरी है। तो ये सारे थ्योरीज के बारे में अगर आपको जानना है दोस्तों, पढ़ना है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मोटिवेशन के ऊपर और जो थिंकर्स हैं, मेन तो मास्लो हैं, लेकिन मास्लो के अलावा बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इसी विचार को आधार बनाकर अपने विचार रखे, जैसे कि मैंने बताया आपको मैग्रेगर, हर्जबर्ग, क्लेटन एल्डरफर, ठीक है, या फिर जैसे लाइक मैक्लेलैंड, डेविड सी मैक्लेलैंड है, ये सब हो गए जो नीड बेस्ड थ्योरीज की बात करते हैं। बाकी विक्टर ब्रूम है जो कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करते हैं फिलिप सेल्जनिक के साथ, ठीक है। तो ये सारे थ्योरीज भी हैं, हम लोग उस पर भी बात कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप नीचे लिखिएगा, तो हम और वीडियोज इस पर लिख आएंगे। तब तक के लिए ये आप पढ़िए, इसको आप अच्छे से समझिए, कोई डाउट रह गया हो, चूंकि ये वीडियो थोड़ी जल्दी बनाने की कोशिश मैंने की है, तो आप मुझे इस पे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपकी कमेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि आगे और इस तरीके की वीडियोस आपको रिक्वायर्ड हैं या नहीं रिक्वायर्ड हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।